हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर दिनेश पवार पर। फैमिली, अभी तो खाना बिना हो गया है, पर दिनेश भी बकरियां लेकर गए हैं और हमारा भी खाना हो गया है। और ये देखे जो हमारा अनाज है वो हम काम कर रहे हैं। ये अनाज ये कोठी में ये लखानी जी ने लाए हुए हैं। हाँ, तो ये तो वो बाहर नाम तो ते भी लिखी देता खड़ा ना। हम तो आहन लोगों में आवाज रही थी। हाँ, बाहर से रहा तो उसकी मम्मी ने ये दिए है गेहूं। और ये हमारा जो उधार था ये राजेश पर, तो वो हमारा ये लाया। और ये बाजरा घर की है फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये हम ये काम कर रहे हैं। और इधर जो हमारी बहन है दीदी, वो कोरोना में जो गुजर गया है उसकी वाइफ, तो इधर मिट्टी डलवा रही है। और ये जो उभे है तो उसका सब सामान था वहाँ, तो वो सब आवर रहे हैं। और ये वो गई है, उसने थोड़ा पैसा मजूरी बिजूरी करके आई थी, तो सोना बना लिया था, वो सोना तोड़ने के लिए गई है। और 20 टाली मिट्टी डलवा रही है इधर इधर, फिर इधर वो बांधेगी। और सासू माँ नहा रही है तो शैम्पू मांग रही है। और दिनेश जी तो गया हुआ है बकरियों के साथ में, बकरिया ले गया है। तुम ए तानी आले रे, आधा दिन दिया शैम्पू दे। तो फ्रेंड, हमने जो वो बाजरा दी थी दिवाली का टाइम पर, तो बाजरे एक दो क्विंटल दी थी हमने, मानो दो क्विंटल, मतलब ये जो हाँ दो क्विंटल ली थी, तो हम दो क्विंटल के हिसाब से हम ऐसा बोल रहे थे कि हम दो क्विंटल दे रहे हैं, तुम उधर से दो क्विंटल हमें देना, और हम जब बाजरा निकलेगी तो तुम्हारी दो क्विंटल हम बाजरा दे देंगे। हमको गेहूँ देना, मतलब तुम्हारा गेहूँ जो हम लेंगे वो दे देंगे। तो अभी उसका गेहूँ निकल आया है खेत से, तो अभी मना कर रहे हैं। हमारा जो दो क्विंटल था वही वो दे रहे हैं, तो हमारे पास आना नहीं। तो बेचारी ये लखानी की मम्मी ने दिए है ये गेहूँ, ये देखे, ये तो हाँ, ये दूसरा गेहूँ है राजेश के पास से। इतना गेहूँ दिया है और फिर वो ये वो दो क्विंटल, ऐसा करके कितना दिन लगे चलेगा, तो वो चलने से के हिसाब से हम जितना दिन चलेगा उतना दिन चलाएंगे। और हमें मोल लेना ही पड़ेगा अनाज, क्योंकि हम चावल ज़्यादा नहीं खाते हैं, अनाज ये गेहूँ बाजरा ही खाते हैं, इसलिए हमको अनाज की बहुत ऐसी चिंता लगती है कि पूरे बरसात हम कैसे निकालेंगे। तो फैमिली, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे वैसे तो कुछ ना कुछ हमारे हिसाब से। तो लखानी जी गई हुई है उसकी मम्मी के घर में, घर वो गोंटी देने के लिए। और वो अनाज जो है वो लाएंगे हम शाम को, हमारा जो दो क्विंटल दिया है वो लाएंगे बाजरा। तो देखेंगे अभी क्या होता है फैमिली, क्या नहीं। दिनेश जी तो बोल रहा था कि मोबाइल रखो और शॉर्ट वीडियो भी बनाना, और घर पर आप लोग क्या क्या काम करती है वो मैं देखूंगा बोले, और अपने फ्रेंड भी देखेंगे ऐसा बोल रहा था। तो बहुत काम है, पर ये जो धूप, बहुत धूप, अभी 3-4 दिन हो गए हैं धूप, बहुत धूप, बहुत
पढ़ रहा है तो बाहर भी निकलने से डर लगता है। तो दिनेश जी को मैंने भेजा है बकरिया चराने के लिए, और शाम को बकरा देखने के लिए आए थे बोले लोग। तो बोल रहा था दिनेश जी के 12-13 हजार बोल रहे हैं वो लोग, तो देने में क्या दिक्कत है बोले, उस सफेद जो बकरा है वो बकरा को। तो मैंने बोला कि अच्छा है तुम दोगे तो मैं क्या बोलूँगी, ऐसा बोला है। शतरानी तारानी खेल रही है तो देखते हैं फैमिली आगे क्या होता है क्या नहीं। बाकी सब ठीक चल रहा है। और राजेश को भी वाइफ आ गए हैं, लाली है, तो वो भी अच्छे से दारू वीरू नहीं पी रहा है। और आरएस भी कहीं, हमको तो पता नहीं कहाँ होगा, किधर होगा, किधर रहता होगा, किधर खाता होगा, तो हमें कुछ पता नहीं है। फिर हमें बहुत गुस्सा है, इसीलिए हम क्यों पता करें उसको, ये बात है। तो सब ठीक है, अच्छे से देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। फैमिली तो हमने तो घर का साफ सफाई भी कर ली है, और वो अनाज भी कर लिए है, और ये मिट्टी भी कल सुबह में डालेंगे। तो अभी 2 बज गए हैं, 2 बजे हैं अभी। कपड़े लत्ते भी धोकर सुखा दिए हैं, और पानी तो थोड़ा चालू था तो बंद हो गया है। और खाना तो हमने नहीं खाया है, अभी खाएंगे। खाना बनाया था फ्रेंड, पर हमने खाने के लिए बैठे थे और वो बुलडोजर वाला आ गया था, इसलिए हमने नहीं जेसीपी खाया। वाला, बुलडोजर वाला नहीं, जेसीपी वाला। जेसीपी वाला, ये देखिए अपना नीलकंठ थोड़ा अच्छा है। कल हमने बताए थे कि वो हम देवी माँ के वहाँ से आए थे, तब से बीमार था। तो डॉक्टर भी गए, किया भगत बड़वा भी किया, पूरा किया, अभी थोड़ा ठीक है। देखते हैं फ्रेंड आगे। फैमिली अभी कुछ काम नहीं है तो अभी क्या दिखाए, इसलिए यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। और हमारे साथ में बने रहिएगा हमारे वीडियो में, और हमें सपोर्ट करते रहना फ्रेंड, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी करते रहना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र, जय खानदेश।